ले जी, तो आज हम बात करते हैं अदनान सिद्दीकी की मक्खियों पे। वाह वाह वाह, क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। मैं देख रही थी आज यूट्यूब पे निदा यासर का प्रोग्राम, मैंने आज देखा है। दरअसल तो कहता है औरतें जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो मक्खियों की तरह होती हैं। सब तो बड़ा माखू थे तू आप, जिथे कुड़ी वेखदा पिछे 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 पिछे, जितों पाकिस्तान दे विच पिछे पिछे पिछे। इसे वास्ते शाइस्ता लोधी नाल नहीं बनती, वो जरा कड़क किस्म की है ना, इसलिए सुना देती है। और इतना मैं कहती हूँ, और ऊपर से कहता है खलीलुर रहमान को कैंडोल के बारे में। इसने देखे क्या बोला, खलीलुर रहमान तुम्हें, तुम्हारा राइट हैंड है इस बारे में कि तुम्हें सपोर्ट कर लेंगे। वो तो खुद बहुत रिस्पेक्ट करते हैं औरतों की, बहुत ज़्यादा। इतने डिसेंट इंसान, इतने डिसेंट फेवरेट अदाकार हर किसी के, इतनी चवलियाँ मार के की लग गया। और मेरी बात सुनो, इतना बड़ा माखू तो तू आप है अदनान सिद्दीकी। उतरूल के जब से लगा खिलाफ बोलना शुरू हो गया, ये क्या कर दिया, पाकिस्तानी ड्रामे ये, पाकिस्तानी ड्रामे वो। जैसे ही उस्मान आया पाकिस्तान चिमड़ गया मक्खी बन के, इंज चिमड़िया उन्हों के मैं कहनी बस कि मैनू फेम शोहरत मिल जाए, मैं सोशल मीडिया ते इन हो जा। बस जिवें कोई मक्खियां दा छत्ता टुटिया ते पिछे ही लग गया, ऐसा बनया तू मधुमक्खा। ओए होए होए, हद ही हो गई, वैसे हद ही हो गई। बाकी इंसान नू अपनी थोड़ी जी एज दे हिसाब नाल बोलना चाहिए, लेकिन आफ्टर 40 बिकम नोटी, तू बन गया सही नोटी, कसम से हद ही हो गई, हद हो गई। वैसे इतना हमें पसंद थे, आए हाय हाय, जो दा मेरे पास तुम हो हमायों सीधा चपेड़ वजी है ना, दिमाग हिल गया, मैनू लगता हिल गया दिमाग बेचारे दा। इलाज करा ला मेरा वीर, इन्ना अच्छा अदाकार, सरमाया पाकिस्तान का, सेलिब्रिटी हैं आप, तो ऐसे जेब नहीं देता ऐसे अल्फाज बोल।